शाहजहांपुर से अहम खबर, रेत तस्करों पर प्रशासन का शिकंजा कसा है। अहम खबर आपको बता दें, रेत तस्करों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। प्रतापगढ़ और देउरपारा गांव में दबिश दी गई है। अहम खबर आपको बता दें, जहां अवैध रेत के जो ठिकाने हैं उस पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। मौके से 250 ट्रॉली रेत को जब्त किया गया है। तो लंबे समय से इस तरह का अवैध उत्खनन का जो खेल है वो चल रहा था। रेत उत्खनन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जब राजस्व, खनिज और पुलिस की कार्रवाई की गई है। तो रेत तस्करी से जुड़ा हुआ यह मामला है, प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ और देउरपारा गांव में दबिश दी गई है। अवैध रेत ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जहां मौके से 250 ट्रॉली को रेत को जब्त किया गया है। और लंबे समय से इस तरह का गोरखधंधा चल रहा था, राजस्व, खनिज और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। अब रेत तस्करों पर जुर्माना और FIR भी लगाया गया। FIR दर्ज हो चुकी है रेत तस्करों पर। हालांकि प्रतापगढ़ और देउरपारा गांव में दबिश दी गई है, पहले से रेकी की जा रही थी, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे थे। उसके बाद मौके से 250 ट्रॉली रेत को जब्त किया गया है। ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे थे और शिकायत के आधार पर ही इनपुट मिला और इसके बाद ही कार्रवाई की गई है, जहां रेत तस्करों पर प्रशासन का शिकंजा कसा गया है। तो प्रतापगढ़ और देउरपारा के गांव है जहां दबिश दी गई। अब देखना होगा आगे कौन कौन से ऐसे गांव है जहां पर इस तरह की दबिश दी जाती है, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार कई और जगह क्षेत्रों में भी सुर्खियों में है।